कि आजकल जो शादियां होती हैं अल्लाह को नाराज करने का एक सबब होता है, शादी महल अल्लाह को नाराज करने के मराकिज बन चुके हैं। शादी होने के बाद लड़का और लड़की एक रात गुजरती भी नहीं उससे पहले स्टेज में आकर खड़े जाते हैं। गैरों का थूक चाटने वाले लोग होते हैं ये लड़कियों को। अभी अभी की दुल्हन, अभी दुल्हन बनी है, 3-4 घंटे नहीं गुजरे, अभी उसे लाकर स्टेज में खड़ा कर देते हैं। बीवी समझा कि हज्जाम का आईना समझा, बहू समझा कि हज्जाम का आईना समझा, बेटी समझा कि हज्जाम का आईना समझा कि लाए स्टेज में खड़ा कर दिए। 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, जितने भी मेहमान आते हैं आकर खड़कर मुबारकबाद देते हैं, हत्ता के नई दुल्हन से भी मुसाफा करने का रिवाज शुरू हो गया। ये सब अमीरों के घरों की नकरे हैं, नई दुल्हन से भी मुसाफा करने का तरीका शुरू हो गया। और बाजू खड़के सेल्फियां ली जाती है, मोबाइल में फोटो पकड़े जाते हैं। जब 11 दिन के बाद मेरे पास मसला आया कि तलाक तक नौबत पहुंची है, मैं परेशान हो गया और मैंने दोनों को बुलाकर, दोनों जमात वालों को, दोनों को तरफैन को बुलाकर मैंने जब सबक पूछा, तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस नवे नई नवेली दुल्हन के ताल्लुकात एक दूसरे लड़के से थे। अब उस लड़के को पूछा गया, कब से ये रिश्ता तुम्हारा चल रहा था, तुमने क्यों नहीं बताया, एक शादी करके एक जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद की। तो लड़के को 2-3 पल के बाद कहने लगा, हमारे ताल्लुकात पुराने नहीं हैं, बल्कि मैं लड़के का नौशे का दोस्त हूं, जिस दिन निकाह हुआ उसी दिन से हमारे ताल्लुकात की इस्तिता हुई है। लड़के पोजा लेते थे ना, वो पोज तलाक तक पहुंचाए, नहीं मोबाइल खतरा है, निकाल लो पुराना कौन सा टीवी, नोकिया मत कहा तो उठा को दियो। अगर मोबाइल उनके हाथ में पुराना गिराना, लाख भी हमला मालूम रहना, दोनों तरफ बात करूंगा मैं, घर की औरतों के मोबाइल का लाख घर के मर्दों को मालूम रहना, घर के मर्दों के मोबाइल का लाख घर की औरतों को मालूम होना, तभी जाकर घरों के अंदर एतमाद के फूल खिलते हैं।